हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग के अंदर मैं अपने प्यारे भाइयों को अपना घर दिखाऊंगा। दोस्तों पहली नंबर पे देखो आप, ये मेरा बिस्तर है, यहाँ पे हम सोते हैं और ये अलमारी है। इस अलमारी से रोशनी आती थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा किस्म का पर्दा लगा दिया ताकि इसके अंदर से रोशनी ना आए और हमें बिल्कुल रोशनी तंग ना करे। उसके अलावा ये एक दरवाज़ा है जो कि टेरेस की तरफ से खुलता है और वो मैंने बिल्कुल बंद करके रखा हुआ क्योंकि इस तरफ से मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। इसके अलावा आपको दिखाता हूँ दीवार के ऊपर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की हुई है, बहुत ही प्यारा आर्ट मैंने अपने ऊपर लगाया जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल, और ड्रेसिंग टेबल आपको देखेंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल। देखो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मेरे कुछ गैजेट्स भी पड़े हुए हैं जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। कुछ मेरी ज़रूरत की चीज़ें पड़ी हुई हैं और इसके अलावा मेरे गैजेट्स भी पड़े हैं, जैसे एक माइक पड़ा हुआ है, माइक का पाउच पड़ा हुआ है, मेरे ग्लासेस पड़े हुए हैं, और ये मैंने अभी रिसेंटली एक माइक लिया है जो कि बिल्कुल मोबाइल पे 110% वर्क करता है और बहुत ही आला किस्म का है। और इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे परफ्यूम है, जैसे लोशन है, इसके बाद और बायोफेट क्रीम है जो कि बहुत ही ज़्यादा 100% वर्क करती है जो मैं अप्लाई करता हूँ। इसके अलावा ये मेरी वॉच भी रखी हुई है और ये कॉम रखे हुए हैं कंगे। इसके अलावा ये तस्बीह भी रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी खूबसूरती के लिए और बहुत सारी परफ्यूम रखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं, जो कि मैं ज़रूरत के तौर पे इस्तेमाल करता रहता हूँ। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने घर के अंदर मैंने क्या लगाया हुआ है। दोस्तों ये देखो, इसके अंदर मैंने ज़रूरत की तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं, मतलब पेंसिलें हैं, अपना ग्लासेस रखे हुए हैं, चाबियाँ हैं, तारे वगैरह भी इससे हैंग कर लेता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही काम की ये, मतलब एक गैजेट समझ लो या एक ऐसी प्रोडक्ट्स है जो कि बहुत ही काम करती है। इसके अलावा मैंने एक छोटी फ्रिज रखी हुई है घर में, आपको फ्रिज दिखाता हूँ, बहुत ही क्लासिकल फ्रिज है जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करके रखी हुई हैं जो कि आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो दोस्तों, इस फ्रिज के अंदर मैंने बहुत सारी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि पेल की फ्रिज है, मैं आपको दिखा दूँ। ये है पेल, ये पेल की फ्रिज है, बिल्कुल न्यू फ्रिज ली थी अभी, और इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ चीज़ें रखी हैं, जैसे अंडे हैं, जैम्स है, और इसके अंदर हनी रखा हुआ है और शरबत फुलाद पड़ा हुआ है, और इसके अंदर पानी है, गार्लिक चिली सॉस पड़ी हुई है, इसके अलावा दही का पड़ा हुआ है और दूध पड़ा हुआ है मिल्क पैक का, और ये इसके ऊपर एक छोटा सा टेबल बना हुआ है जिसके अंदर बर्फ़ है, आइस जमती है बिल्कुल, उसके अंदर कार्निडो भी रखी हुई है। इसके अलावा ये बिल्कुल सब्जी का रैक्स बना हुआ है जो कि बहुत ही क्लासिकल है, जिसके अंदर थोड़े से अनार और कुछ तोरियों की सब्ज़ी पड़ी हुई है। ये मेरी आज की जो छोटा, इसके अलावा मैं आपको बाकी चीज़ विज़िट कराता हूँ। अपना ये ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा है इसलिए हम ब्लैंकेट यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं आपको अपने दिखाता हूँ बकेट, इसके अंदर मेरे कपड़े रखे हुए हैं और छोटे से नीचे दूध भी रखा हुआ है, ये ऊपर मेरा बैग रखा हुआ है। इसके अलावा ये बकेट अगर आपको दिखाऊं कि इसके अंदर बड़े ही आसान तरीके से ड्रेसिंग के साथ हमने सारे अपने कपड़े रखे हुए हैं ज़रूरत के, जो कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, और उसके नीचे हमने जूते भी रखे हुए हैं। अभी इस बैग को खोल के दिखाऊं तो इसके अंदर भी हमने कुछ जूते रखे हुए हैं और उसके बाद हमने कुछ कपड़े भी हैंग करके रखे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त व्यू पेश कर रहे हैं। उसके अलावा ये दोस्तों देख सकते हो, ऊपर हमने ब्रीफ केस रखे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे ड्रेसिंग के साथ रखे हुए हैं। दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, ढेर सारी प्यारों और दुआओं की आपसे दरख्वास्त है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।